दोस्तों, हमास का सबर जवाब दे गया। बयानात और धमकियों का सिलसिला खत्म। इसराइल को बिलाखिर अल्टीमेटम दे दिया गया। 13 जनवरी की तैयारियां शुरू कर दी गई। हमसाया मुमालिक की दर्जनों अस्करियत पसंद तंजीमें एक हो गई। इसराइल में भी भागम दौड़ शुरू हो गई। बैनुल अक्वामी मीडिया पर हमास और इसराइल की सुर्खियां लग गई। ईरानी मिसाइल और रॉकेट फलस्तीन के दिफा के लिए ऑपरेशनल। हमास लीडर के बयानात का मजाक उड़ाने वाले यहूदी अफसरों की भी बोलती बंद हो गई। अगर जंग हुई तो इसराइल पर एक ही वक्त में कितने अतराफ से हमला किया जा सकता है। हिजबुल्लाह और हमास ने अपने जंगजू और असलाह कहां तैनात कर रखा है। खबर में हमास की अल्टीमेटम की बाकायदा तफसीलात फराम करने के साथ साथ हमास और इसराइल के माबैन सालसी करवाने वाले जराए के बयानात की बात करेंगे और बताएंगे कि शाम की पार्लियामेंट में इस हवाले से क्या करारदार पेश की गई है। दोस्तों, मिस्र के बाएतमाद जराए की जानिब से अल रॉयल आम अखबार को हमास और इसराइल के माबैन जंग बंदी के हवाले से अहम तरीन मालूमात फराहम की गई है और इसमें कहा गया है कि हमास और इस्लामी जहाज इसराइल के माबैन बिलवास्ता मुजाकरात के बारे में फिलवक्त बहुत मायूसकुन हालात हैं। दोस्तों, जराए की जानिब से हमास के हवाले से मालूमात में ये भी बताया गया है कि हमास रहनुमा यहूदी रियासत को ये कह चुके हैं कि वो दोनों फरीकैन के माबैन गुज़िश्ता साल जंग के बाद गजा की तामीर नौ और गजा पट्टी का मुहासरा ख़त्म करने से मुतालिक समझौतों को अमली जामा पहनाने में ताखिर कर रहे हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक होगा। दोस्तों, दोनों फरीकैन के माबैन मुआयदा करवाने वाले मिस्री अफराद ने अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि हमास और इस्लामी जहाद के रहनुमाओं के साथ अलग अलग बातचीत की गई जिसमें उन्होंने गजा की पट्टी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी मुजाहिदीन तंजीमों ने इसराइल को आइंदा जुमेरात 13 जनवरी का अल्टीमेटम जारी कर दिया और इस अल्टीमेटम के तहत इसराइल को ये मुहासरा कम करने और तामीर नौ के कामों में हायल तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए अमली इकदाम करने होंगे। दोस्तों, हमास समेत गजा की मुख्तलिफ तंजीमों के सीनियर अरकान ने सालसी करवाने वाले मिस्री अहदेदारों पर वाज़ किया है कि यरूशलेम यहूदिया सामरिया गजा पट्टी और जेलों में मौजूद फलस्तीनियों के साथ किए जा रहे सलूक ने इनके सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है और अगर इसराइल अपनी इस पॉलिसी को ख़त्म नहीं करेगा तो फिर 13 जनवरी को तमाम ऑप्शंस खुले होंगे। दोस्तों, ये पैगाम एक इंतहाई ख़तरनाक तरीन जंग का पेश खैमा बन सकता है क्योंकि हमास रहनुमाओं की जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, शाम के पार्लियामेंट ने मकबूजा जोलान में से उन्हीं बस्तियों की तामीर के मनसूबे की मजम्मत की है। दोस्तों, शाम की सरकारी खबर रसा एजेंसी साना की रिपोर्ट के मुताबिक शामी पार्लियामेंट ने जुमेरात के रोज़ एक बयान में मकबूजा जोलान में ढांचा और आबादी का तनासब तब्दील करने और इस मकबूजा इलाके में तामीराती मंसूबे को बैन अल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों के मुनाफिक करार दे दिया। शाम की पार्लियामेंट के बयान में कहा गया है कि गाज़िब सिहोनी हुकूमत के मकबूजा जोलान से मुतालिक मंसूबों का मकसद नए सिहोनी को इसराइल मुंतकिल होने की तरगीब दिलाने के साथ साथ उन्हें मकबूजा जोलान में आबाद कराना है ताकि इस मकबूजा इलाके में आबादी का तनासब तब्दील किया जा सके। शाम के पार्लियामेंट ने इस सिहोनी मंसूबे का मकसद जोलान के इलाके में आबाद शामी शहरियों पर दबाव डालना और इन्हें मरूबो जारियत का निशाना बनाना, नए जोलान पर इसराइल के नाजायज़ कब्जे को मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिश करना करार दिया है। शाम की पार्लियामेंट ने कहा है कि जोलान में रिहाइश पजीर शामियों की भरपूर हिमायत जारी रखी जाएगी और शाम के इस इलाके को वापस लेने के लिए किसी भी तरह की कोशिश से दरेग नहीं किया जाएगा। दरे असना ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मकबूजा जोलान के इलाके में गाज़िब सिहोनी हुकूमत की काबीना का इजलास तश्कील दिए जाने की शदीद मजम्मत की है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद ख़तीबज़ादा ने शाम के मकबूजा इलाके जोलान में सिहोनी काबीना के इजलास की शदीद मजम्मत करते हुए सिहोनियों के इस जारहाना इकदाम को इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। सईद ख़तीबज़ादा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद करारदारों बिलखुसूस सलामती कौंसिल की करारदार 497 के मुताबिक मकबूजा जोलान शाम का अटूट हिस्सा है और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली हर साल इस नाकाबिले तरदीद हकीकत पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि जोलान की पहाड़ियों में गैर कानूनी सिहोनी बस्तियों की तौसी और सिहोनी महाजरीन की तादाद में इजाफा किसी भी तरह से हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता और सिहोनी आबादकारों को जान लेना चाहिए कि वो मकबूजा सरजमीन में हमेशा के लिए नहीं रह सकेंगे। सईद ख़तीबज़ादा ने इस सिलसिले में शाम के साथ इस्लामी जमहूरिया ईरान की यकजहती और भरपूर हिमायत पर भी जोर दिया।
अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 497 के मुताबिक मकबूजा जोलान के इलाके में अपने कवानीन नाफिज करना और इस इलाके पर तसल्लुत जमाने की कोशिश नेज इस सिलसिले में अमल में लाने जाने वाली किसी भी किस्म के इकदाम सब खिलाफ वर्जी और ये तमाम इकदाम काबिल मजम्मत हैं। दोस्तों, फ़लस्तीन की तहरीक हम्मास ने ऐलान किया है कि गर्ब अर्दन के मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनियों की इंतज़ामिया और फ़लस्तीनियों की बेदारी की अलामत का मुशाहिदा किया जा रहा है। दोस्तों, मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन की इस्लामी मज़ाहती तहरीक हम्मास की सरबरा इस्माइल हनिया ने कहा है कि नया फ़लस्तीन तामीर करने का मनसूबा मुआशी हालात अबतर होने का बायस बन रहा है, जबकि इस मनसूबे की खुली मुखालफत की जा रही है। उन्होंने कहा कि दरियाए अर्दन के मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों की आवाम में बेदारी बढ़ती जा रही है और इंतकाजा की अलामत का मुशाहिदा किया जा रहा है। इस्माइल हनिया ने कहा है कि इलाके में लड़ाई और कशीदगी की वजह मसला फ़लस्तीन है और इस मसले को हल करने के इलाके में अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सैफुल कुदस जंग ने इलाकाई और आलमी सतह पर मसला फ़लस्तीन को उजागर किया है और इस मसले को हल किए बगैर इलाके में जारी कशीदगी दूर नहीं की जा सकती। बस्तियों की तौसी और सिहूनी महाजरीन की तादाद में इजाफा किसी भी तरह से हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता और सिहूनी आबादकारों को जान लेना चाहिए कि वो मकबूजा सरजमीन में हमेशा के लिए नहीं रह सकेंगे। सैयद ख़तीबज़ादा ने इस सिलसिले में शाम के साथ इस्लामी जमहूरिया ईरान की यकजहती और भरपूर हिमायत पर भी जोर दिया। अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 497 के मुताबिक मकबूजा जोलान के इलाके में अपने कवानीन नाफिज करना और इस इलाके पर तसल्लुत जमाने की कोशिश नेज इस सिलसिले में अमल में लाने जाने वाली किसी भी किस्म के इकदाम सब खिलाफ वर्जी और ये तमाम इकदाम काबिल मजम्मत हैं। दोस्तों, फ़लस्तीन की तहरीक हम्मास ने ऐलान किया है कि गर्ब अर्दन के मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनियों की इंतज़ामिया और फ़लस्तीनियों की बेदारी की अलामत का मुशाहिदा किया जा रहा है। दोस्तों, मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन की इस्लामी मज़ाहती तहरीक हम्मास की सरबरा इस्माइल हनिया ने कहा है कि नया फ़लस्तीन तामीर करने का मनसूबा मुआशी हालात अबतर होने का बायस बन रहा है, जबकि इस मनसूबे की खुली मुखालफत की जा रही है। उन्होंने कहा कि दरियाए अर्दन के मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों की आवाम में बेदारी बढ़ती जा रही है और इंतकाजा की अलामत का मुशाहिदा किया जा रहा है। इस्माइल हनिया ने कहा है कि इलाके में लड़ाई और कशीदगी की वजह मसला फ़लस्तीन है और इस मसले को हल करने के इलाके में अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सैफुल कुदस जंग ने इलाकाई और आलमी सतह पर मसला फ़लस्तीन को उजागर किया है और इस मसले को हल किए बगैर इलाके में जारी कशीदगी दूर नहीं की जा सकती।